मैं वेदिका राजपूत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। समझौता नहीं पर चाहिए सुप्रीम पावर न्यूज का आपसे मिलने में प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम पावर न्यूज के लिए आपकी आभारी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते आज की ताजा तरीन खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट जिले के गर्रा में ट्रक में लगी आग। कंट्रोल रूम बालाघाट से सूचना मिली कि गर्रा में प्रतीक धर्म कांटे के बाजू में ट्रक में भीषण आग लगी। सूचना प्राप्त करते ही तत्काल घटना स्थल में पहुंचकर पायलट श्री मंगल सिंह मड़ावी और फायरमैन श्री गौतम ब्रह्मे, श्री संजय विसेन, श्री राहुल वैद की सूझबूझ से आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। सुप्रीम पावर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी तहसील अंतर्गत ग्राम कुम्भली से। कांग्रेस पार्टी का घर चलो अभियान। क्या है अभियान? मध्य प्रदेश में पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आदेश पर मध्य प्रदेश में हर गांव तहसील क्षेत्र शहर में घर घर चलो अभियान का इशारा हो चुका है। इस अभियान से युवाओं को जोड़ने का आधार अपने पार्टी में शामिल करने का अभियान चलाया जा रहा, जिससे कार्यकर्ता गाँव शहर जिलों में जुड़ते नजर आ रहे और यह अभियान 28 फरवरी तक लगातार जारी रहेगा। इस अभियान में प्रत्येक जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा। ग्राम कुम्भली में पहुंचे कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता भोरगढ़ से देवेंद्र बारेवार जी और जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री फेकन लाल डोहरी जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए खैरलांजी कुम्भली से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। हमारे साथ में है भोरगढ़ के देवन बारेवार जी, जो कांग्रेस पार्टी में है और उनका अभियान चल रहा है घर चलो अभियान। क्या है, क्या बताना चाहूंगा? मैं देवन बारेवार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता, भोरगढ़। हमारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर घर चलो घर घर चलो अभियान शुरुआत है। पूरे मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 2022 से अनवरत 28 फरवरी तक के चलेगा और हम अपने पूरे ब्लॉक भोरगढ़ में 32 पंचायत में यह सदस्यता अभियान चलेंगे। एक बूथ में जैसा कि निर्देश मिला है हमें, 18 साल के समस्त ऊपर वाले महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग के जनरल सभी कैटेगरी को लेकर एक बूथ में कम से कम अपने को 100 सदस्य बनाने का जो लक्ष्य मिला है उसको पूर्ण करने का जो अभियान हम चला रहे हैं उसी के माध्यम से यह हमारी चौथी मीटिंग है। इसके पहले हमने टेबनी में के, इसके पहले मोहगा बैजू में के, हमारी भोरगढ़ में भी बैठक हो चुकी है और यह अनवरत आज हम कुम्भली में समस्त लगभग जनसमुदाय के बीच में हम लोग यहाँ उपस्थित है और यह अभियान चल रहा है हमारा। आप जैसे अभियान चला रहे तो एक गांव में कितने लोग अभियान में आपके साथ आ रहे हैं आगे? हमारे साथ यहाँ देखिए पूरा ले लो कैमरा में, आप तो गिन सकते हैं, आप पूरा कैमरा घुमाकर देख लीजिए। अब मैं नाम क्या बताऊँ, निकेश पांडे जी, हमारे अभिमन्यु चन्ने जी, फुलचंद सोनवाने जी, देवकरण धुआरे जी, जितेन मावले जी, समर्थ रामबाऊ मानेगांव से, हमारे मानेगांव से सिरदार राणा जी पूर्व सरपंच रहे हमारे, हमारे साथ सब लोग जुड़ रहे हैं, निरंतर जुड़ रहे हैं। मंगरूबाऊ चौरागढ़ भी जुड़े हमारे पास, दिनीराम जी दुआरे हमारे साथ जुड़े हैं। आगे की क्या रणनीति है आपकी? निसंदेह जैसा निर्देश मिलेगा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, निसंदेह हम काम करते जाएंगे जी। सर आप अपना परिचय बताइए। मैं फेकन लाल डोरे, पूर्व जनपद अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के साथ जुड़े जा रहे हैं। नए सदस्य भी काफी और युवा वर्ग भी काफी जुड़ रहे हैं, महिलाएं भी, तो बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं। हाँ, इसमें बड़े बड़े नेता से मतलब ये है कि जिला स्तर से जो है ये हर ब्लॉक को निर्देशित किया गया है और ब्लॉक के आधार पर प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं और उनके साथ साथ स्थानीय जो हमारे टीम है ब्लॉक स्तर की वो इसमें सक्रियता से।